नमस्कार, एबीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बता दें, चीन में कोविड जीरो पॉलिसी को लेकर लोग सड़क पर उतर आए हैं। बीजिंग से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब 9 बड़े शहरों तक पहुंच गया है। पुलिस ने इसे रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार की रात भर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, कहा हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए, हमें आजादी दो। लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग करते नजर आए। चीन में लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 27 नवंबर को कोरोना के 40,000 एक्टिव केसेस सामने आए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चीन में आए एक्टिव केसेस जो है उनका आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। इसके चलते शी जिनपिंग सरकार ने कई तरीके की पाबंदियां भी लगाई। सख्त लॉकडाउन से 66 लाख लोग घरों में कैद हो रखे हैं। खाने के सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। रोज होने वाले कोविड टेस्ट से भी नाराजगी है लोगों में। जो लोग सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी चीन में की जा रही है। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।